फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को यूट्यूब पर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा। फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ALP परीक्षा के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, CBT 2 रिजल्ट की डेट के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, जो आपने CBT 2 की जो परीक्षा हुई थी उसकी रिजल्ट डेट के बारे में जी हां बात करने वाले हैं। कब आएगा इसका रिजल्ट, साइको टेस्ट की डेट भी यहां पर हम बताने वाले हैं, कब आपका साइको टेस्ट होगा, भर्ती प्रोसेस सितंबर तक कंप्लीट। जी हां फ्रेंड्स, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, न्यू वैकेंसी आती है उनका सभी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, RRB ALP टेक्नीशियन CBT 2 रिजल्ट 2019 डेट, जानी कब होगी, कब होंगे ग्रुप सी के रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं RRB ALP टेक्नीशियन के पदों को दूसरे चरण की परीक्षा 21 जनवरी 22 जनवरी और 23 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। इसकी जो आंसर की है वो 18 फरवरी को घोषित कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप डेट को देख सकते हैं, आज की न्यूज है, 9 मार्च की न्यूज है। ठीक है, आज दोपहर की न्यूज है। यहाँ पर आप डेट को भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। आगे हम जानेंगे पूरा साइको टेस्ट कब होगा, भर्ती कब तक कम्प्लीट हो जाएगी और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ग्रुप सी ALP टेक्नीशियन CBT 2 के परिणाम को इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। उम्मीदवारों को इंतजार जल्द ही खत्म होने वाले हैं। RRB ALP टेक्नीशियन CBT 2 के परिणाम मार्च में जारी कर सकता है। रेल मंत्रालय ने बोर्ड से ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया जल्द खत्म करने के लिए कहा था। इसके बाद रिजल्ट मार्च में जारी करने की बात कही है। जिन कैंडिडेटों ने RRB ग्रुप सी ALP टेक्नीशियन दूसरे चरण की परीक्षा दी थी, वे एग्जाम रिजल्ट जारी करने के बाद RRB की आधिकारिक वेबसाइट RRB CDG.gov.in पर क्षेत्रीय वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है जो CBT 2 का 18 फरवरी को इसकी आंसर की पब्लिश कर दी गई थी, लेकिन जो रिजल्ट बताया जा रहा है वो मार्च के लास्ट में इसका रिजल्ट बताया जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह कह सकते हैं, लास्ट में कह सकते हैं, इसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। आगे न्यूज की तरफ आगे देखते हैं। दरअसल RRB ग्रुप सी ALP CBT 2 के परिणाम मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, परिणाम है वो तीसरे और चौथे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है मार्च के। ठीक है, IndianExpert.com को भर्ती परीक्षा परिणाम जुड़े अपडेट देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि रेल मंत्रालय ने बोर्ड से ग्रुप सी और ALP टेक्नीशियन के पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने के लिए कहा है। इसलिए बोर्ड की कोशिश है कि मार्च के तीसरे और आखिरी सप्ताह में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्टेड मेरिट जारी कर दें। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है उसे हम कहते हैं साइको टेस्ट। ठीक है, साइको टेस्ट के बारे में जानेंगे कब इसका साइको टेस्ट होगा। RRB अधिकारी के मुताबिक ग्रुप सी और की फाइनल रिजल्ट प्रक्रिया अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। इसी के साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी के भर्ती प्रक्रिया सितंबर के आखिरी में पूरी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि देखिए रेलवे का जो काम चल रहा है थोड़ा लो भी चल रहा है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया जो है वो सितंबर के आखिर तक पूरी हो सकती है। यानी कि ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी सितंबर तक कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पर साफ साफ ही नज़र आ रहा है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और आपका रिजल्ट जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि ग्रुप सी के पदों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। भर्ती प्रक्रिया में 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रथम चरण की परीक्षा के लिए 36,47,541 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 9 अगस्त से 4 सितंबर 2018 के आयोजित की गई थी। वहीं RRB ALP टेक्नीशियन के पदों की परीक्षा दूसरे चरण की परीक्षा 21 जनवरी 22 जनवरी 23 जनवरी को आयोजित की गई थी। उत्तर कुंजी 18 फरवरी को आई थी इसकी। ठीक है, 20 फरवरी 2019 को आपत्ति उठाई गई थी। देश भर में लगभग लाखों की संख्या में शामिल हुए थे जिन्होंने, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन दिए थे। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को मनोवैज्ञानिक टेस्ट में पास होंगे उन्हें ही नौकरी पर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जो CBT 2 का रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाएगा, ठीक है, उसमें जो आपका साइको टेस्ट को मनोवैज्ञानिक टेस्ट बोलते हैं, तो साइको टेस्ट कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 में। तो ठीक है, जो कैंडिडेट साइको टेस्ट में पास किए जाएंगे उन्हीं के लिए सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, वही सिलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो रिजल्ट है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बताया जा रहा है, देख लीजिएगा, जो आपका रिजल्ट है वो CBT 2 का रिजल्ट जो तीसरे मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो आप इसलिए नहीं बैठा कि इसमें महीने भर का, 2 महीने का टाइम मिलेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद जो साइको टेस्ट होता है
वो 15-20 दिन के अंतराल में ही इसका जो है साइको टेस्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसी टेंशन में ना बैठे, इसी सोच कर ना बैठे कि महीने दो महीना मिल जाएगा। तो आप जितने भी लगता है कैंडिडेटों को कि हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, तो अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करें। साइको टेस्ट में जो फ्रेंड्स 15-20 दिन के लगभग टाइम मिलता है, और आप उसी में जो अपना कवर करें जितना भी कवर कर सकते हैं। और आपके पास तो अभी टाइम है, रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ है, कम से कम एक महीना आपके साथ मिल जाएगा, तो आप जो है अच्छे से तैयारी भी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इतना अपडेट था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की हर अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।